अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूजी का केक बनाने जा रही हूँ। सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे सॉफ्ट में ये 1 कप सूजी है, 1 कप दूध है, 1 कप चीनी है, 1 कप मिल्क पाउडर है और 1 कप कस्टर्ड पाउडर। और मैं इसमें बार्मिनो भी दूंगी और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, वो आखिर में मिलेंगे। मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ और मैं ये दूध को पहले हल्का सा सुसुम करके डालूंगी। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस हल्का सा। हाँ, मैं दूध हल्का अब गर्म होने पे आ गए हैं और मैं गैस, मैं ऐसा करके चेक कर रही हूँ। हाँ, गर्म हो गया एकदम। हल्का गैस बंद करूँगी, फिर से मैं कप में उलटूँगी। और मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध दे के इसको सानूंगी। और ये चीनी है, आप जितना मीठा खाना चाहती हैं खा सकती हैं। ये मैं चीनी लॉन्ग से मिल गया क्योंकि मैं चीनी में डाल के रखती हूँ चूटा से बचने के लिए। हमें इसे फेंटते जाऊँ। आप भी चाहे तो चीनी लॉन्ग भी डाल सकते हो, चीनी में डाल के रख सकते हो चूटा चूटा, लेकिन मैंने इसको फेंट दिया। मैं इसको 20 से 30 मिनट तक चाहे रख लूँगी, आप चाहे जितना घंटा रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। इसके बाद मैं फेंटूंगी। चाह रही हूँ इसको पीसने के लिए। ये मेरा बेकिंग पाउडर हो गया, इसमें मेरा सोडा हो गया, बेकिंग सोडा। अब मैं इसको बॉल में डाल रही हूँ, मिक्सी के जार में, बॉल में मैं कह रही हूँ। देखिए मैं अब सब मिक्सी के जार में डाल रहे हैं, थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे, थोड़ा सा सब निकल रहा है अच्छे से। मैंने सब डाल दिए हैं। अब मैं दूध डाल रही हूँ जो बच गए थे, कस्टर्ड पाउडर, एक कप मिल्क पाउडर, रिफाइंड ले लूँ निकाल लूँ 1 कप। अब मैं 1 कप रिफाइंड डाल रही हूँ। अब मैं 1 कप, 1 चम्मची, सॉरी 1 कप बोल गया था, 1 चम्मची बेकिंग पाउडर, 1 चम्मची बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इनो। इसको खोल के 1 पैकेट पूरा इनो डाल दूँगी। अब मैं इनो डाल रही हूँ 1 पैकेट पूरा। मैं सबको डाल के अच्छे से चला देंगे मिक्सी में। अब मैं पीसने जा रही हूँ उसको, क्योंकि मैंने पूरा एकदम अच्छे से 5 मिनट तक फेंटे, एकदम खूब अच्छी खुशबू तो अभी ही आ रही है। पता नहीं पकने के बाद तो और अच्छी खुशबू आएगी घर में। ये कितना अच्छा पूरा झाग उड़ गया है। अब मैं इसको बॉल में निकाल रही हूँ, प्याले में, फिर इसमें मैं उलट रही हूँ। एकदम स्पॉन्जी वगैरह सब एकदम अच्छे से होंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप चाहे जब चाहे बना सकती हैं। जब ख्वाहिश हो, बच्चे को ख्वाहिश हो खाने का, टिफिन में भी चाहे पहले से बना के रखे तो दे दीजिए। मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे से पीस लिए थे, थोड़ा सा मैं इसे फेंट लूँगी और 10 मिनट, जितना फिटाएगा उतना अच्छा है। मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, मैं सूजी टूटी फ्रूटी केक बना रही हूँ। आप चाहे तो दही या नींबू भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मैंने बस इनो ही डाला। मैंने फेंट ली है 10 मिनट तक, देखिए थोड़ा सा ढीला जैसा हो गया है, लिक्विड जैसा टाइट हो गया था ज़्यादा, फेंट एकदम अच्छे से हो गया है। अब मैं इस कटोरे में ऑयल लगाऊंगी, मैं आधा आधा करके डालूंगी एक पानी, क्योंकि वो उठेगा भी, स्पेस भी होना चाहिए। मैंने ये अच्छे से लगा लिया है वायर। अब आपके पास अगर ये वेट पेपर है वो भी आप डाल सकते हैं। तेल लगा लिया तो आसानी से निकल जाएंगे ऐसे भी चारों तरफ। अब मैं इसको उलट तो रही हूँ, तो
तो शायद एक ही बार में सब अट जाएगा, सब डाल दूंगी। देखिए मेरी पूरा प्याला में अच्छे से अट गया एक बार में, ये मैं टूटी फूटी पूरा ऊपर से अच्छे से डाल दे रही हूँ। और इधर मैंने गैस रख दी है, ये थोड़ा सा कुकर गर्म होने के लिए, और मैंने ऐसे स्टैंड करके रखे हैं, थोड़ा सा ढक जाए 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे इसको ऐसे ही। एकदम अच्छे से हीट हो गया, मैं ये प्याला को उसमें रखने जा रही हूँ। मैंने गैस पर रख दिए हैं, 5-10 मिनट तेज़ रखूँगी, उसके बाद मैं धीमा रखूँ, 25 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे आपके सूजी के फ्रूटी फ्रूटी सूजी के फ्रू ये टूटी फ्रूटी सूजी केक आपके तैयार हो जाएंगे। जी मैंने प्रेशर निकाल के रखे हैं, प्रेशर निकाल के रखिएगा। मैं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट मतलब 10 मिनट के लगभग हो गए, मैं इसको धीमा कर रही हूँ, मैं 25 मिनट के बाद इसको बंद कर दूँगी। मैं हो गया 25 मिनट, मैं गैस बंद करने जा रही हूँ, ये ठंडा होने के बाद 1-2 घंटे के बाद मैं इसको निकालूँगी और कट करूँगी। केक बन के तैयार हो गया है, अब मैं इसको कट करूँगी। देखिए मैं तैयार हो गया सूजी के। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।